गोपेश्वर स्थित राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें कुल 12 छात्र उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदों पर नामांकन पर्चा भर दिया है। वहीं NSDY ने ABVP के उपाध्यक्ष पद पर दावेदार नामांकन अवैध बताया और उसे निरस्त करने की मांग रखी। इस दौरान एक छात्र महाविद्यालय की छत पर चढ़ गया, जिसके बाद महाविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने छात्र को छत से उतारा। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य नोटियाल ने कहा है कि NSDY के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जिसका कि प्रवेश इससे पहले घाट महाविद्यालय में और वर्तमान में भी घाट महाविद्यालय में है, क्योंकि उसकी TC और CC वहां से निरस्त नहीं हुई है और उसका इस महाविद्यालय में भी BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन है। और जो जहाँ UGC का लॉ कहता है कि आप अगर मानवाद फेल होते हैं तो आप संकाय चेंज करके प्रवेश ले, पर उसके उस छात्र के द्वारा गलत एफिडेविट कॉलेज में पेश करके प्रवेश लिया गया, जिसके हमने प्रूफ भी दिए कॉलेज को, पर कॉलेज ने इसमें कोई कुछ कार्रवाई न करके नॉमिनेशन दिया। आरोप है वो ये आरोप नहीं है, ये आरोप है वैध प्रत्याशी घोषित होने के बाद जो उपाध्यक्ष का हमारा प्रत्याशी है गौरव सिंह बिष्ट, उसको कहा जाता है कि उसका जो एडमिशन है वो किसी और महाविद्यालय में। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नियम के तहत, जब नियम की अगर हम बात करें तो पूरे प्रोस्पेक्टर में लिखा गया है जो छात्र बोनाफाइड स्टूडेंट है, जिसका आई कार्ड है, जिसकी फीस रसीद है, वो चुनाव लड़ सकता है। देखिए शिक्षा का अधिकार तो सभी का ही है, वो बच्चा कितनी जगह अपने लिए एडमिशन के लिए प्रवेश पत्र एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, ये उसका अपना एक अधिकार है। उसने महाविद्यालय में प्रवेश करने हेतु जो जो बाध्यताएँ होती हैं वो उसने सब पूर्ण करी और उसका एडमिशन महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया गया, प्रवेश समिति के द्वारा किया गया। तत्पश्चात दूसरी जो हमारे छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया है उसमें जो नामांकन के लिए अर्हताएँ होती हैं वो फुलफिल करती है।